जिसके पास स्टोर करने की क्षमता नहीं रही उसको क्या समझ में आएगा तंत्र मंत्र क्या होता है करना है बिल्कुल नियम के हम कहते रहे हैं कि कौनो मंत्र से पकड़ना है कैसे पकड़ना है इसको आप लोग हार्डली नहीं लीजिएगा तो हेलो दोस्तों नमस्कार एक बार वापस से आप लोगों का सर्वे सिनेफेड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों मैं वाराणसी सिटी से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर चलकर आ चुका हूँ जो कि यहाँ का एक गजोखरपुर ग्राम सभा करके है। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि मैं उन व्यक्ति से मुलाकात करवाना चाहूँगा जिन्होंने हमें कॉल कर ऐसे भी जुबानों को बचाने का प्रयास किया। तो साथियों यहाँ से कौन कॉल किए थे अभी के क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम रवि भास्कर। रवि भास्कर क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं अच्छा अच्छा सांप कब दिखाई दिया आपको? अभी बड़ा हाँ। साथियों जैसे कि आप सभी लोग सुन पा रहे होंगे कि भैया का कहना है कि बिग साइज का स्नेक है बट स्नेक कौन सा है कन्फर्म नहीं है। और रवि जी बताया है ना? और रवि जी को हमारे चैनल की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। और साथियों आज हम उस सांप को बचाएंगे। देखिए यहाँ पे काफ़ी सामान वगैरह है, लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इसको बाहर निकालने के लिए और प्रयास रहेगा जल्द से जल्द हम स्नेक को रेस्क्यू कर आप लोगों के सामने दिखाएं और पर्यावरण में रिलीज करें। तब तक के लिए आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो में बने रहिएगा। साथियों जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी सामान था सब ये लोग बाहर निकाल दिए हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी पेटी रखी हुई है और यहाँ पे बिल वगैरह भी है और सामान भी कुछ ऐसा है जिनसे चूहे का आने जाने का आगमन भी बना हुआ है। तो साथियों जहाँ चूहा है वहाँ पे लाजमी है कि ऐसे सांप आते जाते रहते हैं क्योंकि उनका प्रिय भोजन चूहा और मेंढक ही होता है। भैया इसको हटवाइए जरा। पीटी खींची, पीटी पूरा बाहर खींची। इसमें नहीं बड़ा था ये। बहुत मोटा है। सभी लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे बिल हो रहा है और भर चला, भर चला। इसमें के कुछ ना काफी बिग साइज है और इधर कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे इधर है काफी बड़ा साइज है। साथियों हम जो है कि फिलहाल में अभी तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिला देखते हैं, वाराणसी के हर एक कोने में जा जाकर ऐसे बेजुबानों को बचाने का प्रयास करते हैं। भैया थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया लिए फटा हुआ है ना लीनार है साथियों जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे खैर हाथ में लेकर विज्ञापन करना है बिल्कुल नियम के खिलाफ है बट साथियों करते करते हम लोगों का आदत सी हो गई है तो खैर इसको आप लोग हार्डली नहीं लीजिएगा। हम इससे स्टंट नहीं कर रहे हैं, हमारे पास टूल किट न होने के कारण वह आज हम ऐसा हैंड से पकड़ने का प्रयास किए हैं और इसको पहले हम बोरियम भर लेंगे फिर इसके बारे में विज्ञापन करेंगे। साथियों जो स्नेक रेस्क्यू किए हैं इस स्नेक के नाम की बात करो तो यह एक रैट स्नेक है और हिंदी में इसको धामन घोड़पछाड़ भी कहते हैं। घोड़पछाड़ इसलिए कहते हैं कि यह घोड़े की जैसे दौड़ता है साथियों, इसलिए इसका नाम घोड़पछाड़ पड़ा हुआ है। यह बिल्कुल नॉन वेनमस होता है, यह यदि स्नेक किसी को बाइट करे तो प्लीज़ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप सभी को नहीं पता है कि कौन सा स्नेक बाइट किया मुझे नॉन वेनमस है या वेनमस है तो आप सभी लोग बाइट मार्क का फोटो खींच कर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम बता देंगे। या फिर जो भी आपके नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल है वहाँ जाएं और अपना उपचार करवाने का प्रयास करें क्योंकि साथियों जो भी झाड़ फूक ओझागुनी तत्मत के चक्कर में पड़ता है वो अपने जान का स्वयं जिम्मेदार होगा साथियों, उसमें किसी का कोई दोष नहीं दे रहा है। तो यदि हमारा वर्क अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा कॉपरेट करें और चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। जय हिंद सर। हम कहते रहने कि कौन मंत्र से पकड़ना है कैसे पकड़ना है। पहली बात आप जान लीजिए कि जो सांप होते हैं उनके पास ब्रेन होती है बट मेमोरी नहीं होती है। मेमोरी का मतलब समझती हैं? हाँ, मेमोरी का मतलब होता है जिसे कोई चीज़ को स्टोर करके रखना और जिसके पास स्टोर करने की क्षमता नहीं रही उसको क्या समझ में आएगा तंत्र मंत्र क्या होता है।